सूबे की योगी सरकार द्वारा प्रदेश के पशुपालकों के लिए पशुधन विकास एवं कृत्रिम गर्भधान योजना चलाकर इन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन विभागीय जिम्मेदारों की लापरवाह रवैये के कारण योजना का लाभ पत्रों तक नहीं पहुंच पा रहा और विभागों द्वारा केवल खाना पूर्ति कर इस मद्दे पर आय धन का बंदरबांट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पशुपालन विभाग की एक और लापरवाही सामने आई। विभाग ने इस योजना के तहत बिहार के निवासी और नाबालिग छात्र को प्रशिक्षण का प्रशिक्षु बना दिया है। कुशीनगर में इस योजना के मद में 5 दिन के लाखों रुपए खर्च होने हैं, लेकिन यह खर्च और प्रशिक्षण केवल कागजी खाना पूर्ति मात्र बनकर रह गया है। कुशीनगर में पशुपालन विभाग द्वारा जिले के पशुपालकों को नेशनल लाइफ स्टाइल मिशन के अंतर्गत पशुधन विकास एवं कृत्रिम गर्भधान के लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिले में यह कार्यक्रम तमकुई राज, पडरौना, हाटा, खट्टा सहित अन्य तहसीलों में 23 सितंबर से 27 सितंबर तक चलाना है, लेकिन पशुपालन विभाग द्वारा इस प्रशिक्षण को मूल रूप देने के बजाय केवल खाना पूर्ति की जा रही है और इस मद में आए लाखों रुपया डकारने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के तमकुही राज स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में चल रहा यह प्रशिक्षण तो केवल दिखावा मात्र ही साबित हो रहा है। विभाग के जिम्मेदारों द्वारा चयनित पशुपालकों नाम पर आय धन का टकारने का प्रयास किया जा रहा है और इससे विभागीय लोग मौन हैं। यहां कुल 35 पशुपालकों के लिए 1 लाख से अधिक रुपये आया है, लेकिन विभागीय लोग इसे डकारने के चक्कर में लगे हुए हैं। प्रशिक्षण हेतु सरकार द्वारा एक प्रशिक्षु पर 2925 रुपए 5 दिन में खर्च करना है, जिसमें प्रशिक्षुओं को आने जाने का किराया, प्रशिक्षण के दौरान भोजन, आईडी कार्ड, प्रशिक्षण किट आदि के नाम पर खर्च करना है, लेकिन जिम्मेदार इस धन को प्रशिक्षण के ना कराकर बचाने में लगे हैं। यह मामला उस समय सामने आया जब एक पशुपालक ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की, तो जिम्मेदारों ने तीसरे दिन आनंद फानन में 35 की जगह 20 लोगों को प्रशिक्षण के लिए इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन उसमें से अधिकतर लोग पशुपालक ही नहीं थे और तो और एक व्यक्ति बिहार का निवासी था तो दूसरा इंटरमीडिएट का छात्र। पशुपालकों का यह आरोप है कि विभाग द्वारा 5 दिन प्रशिक्षण कराना है, लेकिन पहले दिन 1 घंटा कराकर केवल कागजी खाना पूर्ति की गई, दूसरे दिन नहीं कराया गया और आज तीसरे दिन कराया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम के ट्रेनर ने बताया कि दूसरे दिन का ट्रेनिंग नहीं हुआ, मेरी तबीयत खराब थी और बिहार के एक व्यक्ति को ट्रेनिंग में बैठाया गया था। इससे पशुपालकों को ये बताया जा रहा है कि आप देसी नस्ल की सीमन डलवाए, बछिया का सीमन डलवाए 23/9 से और 27/9 आज हुआ है कि नहीं हुआ? आज नहीं हुआ, कल हुआ है। कौन सा तारीख है? अच्छा, 20 हम तो अभी मैंने जाने के बाद तो आज ही आए हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? यही पशु के बारे में चल रहा है, यही चल रहा है। हम पहली बार आए हैं तो हम प्रमोट करके ही आए हैं, ध्यान नहीं है तो नहीं खिला पे। अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। तो किस क्लास में पढ़ते हैं? सेकेंड ईयर इंटर। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 2000। प्रगतिशील पशुपालकों का जो है सीमन वाला बछिया वाला सीमन के लिए बताया गया कि इस तरह जो है सीमन डाला जाएगा और पशुपालकों को बताया जा रहा था कि कब बछिया गर्म हो तो कब सीमन डलवाएं, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं। 5 दिन चलना है। कितना दिन हुआ आज? आज दूसरा दिन। आज हुआ है कि नहीं हुआ? आज तो हम बाद में आए। कितने बजे आए आप? 10 बजे के आसपास। तो 10 बजे के बाद से प्रशिक्षण हुआ है कि नहीं हुआ? इसके बाद नहीं। कौन करा था प्रशिक्षण? डॉक्टर विनय कुमार और डॉक्टर दिनेश कुमार। तो ये लोग कराए थे? हाँ। और आज? आज तो आज कैसे प्रशिक्षण आया तब से तो नहीं देते। नाम क्या आपका? विजय कुमार। कहाँ कराने वाले हैं? हम लोग सर प्रॉपर बॉर्डर पर रहते हैं, बिहार का। हाँ, बिहार के आए थे। गाय है मीठी में रह रही है, 15 माह हो गई है, उसको ठीक नहीं है, इसीलिए। बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? सुपान भाई। तो किस गांव के? राजापुर। तो यहाँ कैसे चले हैं आप? कि हम लोग बॉर्डर पर हैं, पाते हैं, दावा वाली रहते हैं। आए थे प्रशिक्षण में, प्रशिक्षण में। किस चीज़ का प्रशिक्षण हो रहा है? गाय का। क्या उसमें क्या बताया गया? गाय का प्रशिक्षण कृषि ग्रंथान वगैरह इस तरह रखा जाता है। आते हैं जब शुरुआत होता है। कब कब खत्म होता है? 2 बजे। 2 बजे खाने में तो देखिए हम सब्जी मिला। ये जो है लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत जो है ये
इसमें जो है सेक्स सीमन के विषय में जो है बताया जा रहा है। सेक्स सीमन में जो है एक्सेस क्रोमोसोम है, उसमें वाई क्रोमोसोम सेपरेट कर दिए गए हैं जो नर पैदा करते हैं, और इससे जो है जो गर्भित कराने पे जो है खाली बछिया बछिया पैदा होंगी, बछड़ों से जो है निजात मिलेगी। 35 लोगों का जो है लगभग कराया गया और परीक्षण जो है 23 चल रहा है। अच्छा, अभी आज कितने लोग आए थे? आज 35 लोग थे भाई। तो उसमें किसानों को जो है वो बीच वो दस्तखत उतने कितने का अभी हुआ है, वो बीच में लोग आते रहते हैं, जैसे मैंने किसी को कोई काम हो गया वो नहीं भी आता। कुछ जो है कि एक नाबालिग भी लड़का था, दूसरा एक बिहार का व्यक्ति रहने वाला था, उनको भी प्रशिक्षण दिया गया। अरे वो जो आ जा रहे हैं अब उसमें बीच में कोई आदमी बैठ गया तो उसमें जो है वो नहीं, उनको बकायदे प्रशिक्षण किर दिया गया, सब चीज़ बताया भी गया है। हाँ, तो उसको देखा नहीं होगा जो आदमी देने वाला है। नहीं, क्या मानते हैं इसमें, अगर देखा नहीं गया तो लापरवाही किसकी है? देखना चाहिए, अगर एक आदमी साथ था वो जो बाद में पता लगा कि वो बिहार से का है, नहीं वो कल जो है फिर आएगा, तो अगर वो हमको नॉलेज में है मेरे, कल तो वो फिर आएगा तो उसे क्या टाइम। हम लोग जो है 10:30-11 बजे शुरू करते हैं और बाद में जो है 2:30-3 बजे तक हम, अब बराबर होगा उसका जो। नहीं, कल नहीं हुआ उसको। हाँ, तो कल हमारी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, पेजिस था।